चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे सतत, वितत या फिर लंगड़ा या फिर कंटिन्यूड, ठीक है, इस तरह की भिन्न को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यकीन मानिए अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सतत, वितत, लंगड़ा, भिन्न, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भिन्न में मिलेगा। किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वितत या सतत भिन्न लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने नाम बोले ये सभी एक ही के नाम है, इसी के नाम है। जैसे किसी का नाम घर पर होता है चंटू वंटू, ठीक है, और कॉलेज में होता है, कॉलेज में कुछ भी नाम लिख देगा, रॉक स्टार लिख देगा, है ना, तो इस तरह के नाम है। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बोर्ड मास्क का उपयोग होना चाहिए। अब मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, चलो मैं मानता हूँ, है ना, मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये 10 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 5 आएगा। ठीक है, अब इसका होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब भाई इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक प्लस, यहां से जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले इधर से सॉल्व करेंगे नीचे से, है ना, तो इस इतने से को सॉल्व कर लेंगे आप, है ना, क्लियर दिख रहा है ना वहां पर। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये इसे सॉल्व करना आपको आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अगर आपने भिन्न की वीडियो नहीं देखी तो देख लें, 5 × 2 = 10 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 9/2। नहीं जानते तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये आपका हो गया है ए वाला सॉल्व। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है, 4 × 2 + 3/9/2 ये सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए अगर आपको भिन्न में भिन्न का भाग देना है तो इसको कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा कैसे लिखा है, ये 5/2 लिख दो आप, कोई दिक्कत है। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या अपने पास मकसद है, इस 2 का कहाँ हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। चाहो तो आप काट सकते हो कि एक बार से काट दिया, ये 3 बार, 3 × 3 = 3 बार, ठीक है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 + 4/2 प्लस, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा और 3 नीचे रहेगा, तो इस तरह से रहेगा -5/2। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता, कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अब भाई ये 3/2 इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इस इतना तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 + 2/3 को सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया तो लिख दिया 1 + 4/2, ठीक है, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है, -5/2। अब मेरे भाई इसे ई ऊपर पहुंच जाएगा, ई ऊपर पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा आपके पास, 1 + ये 3 × 4 हो जाएगा, 3 और 4 मिल गए कितना बड़ा, 12 / 8, ठीक है, माइनस है तो 5/2। ठीक है, आप चाहो तो इसे और काट सकते हैं, कि सर 4 × 2 यहाँ में आप काट सकते थे, 4 × 4 = 4, 2 में आप ऐसे कर सकते थे, यानी ये 3 बार बच गया, ये 2 बच गया, 4 से काटा 2। ठीक है, यानी इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 1 + 3/2 - 5/2। तो अब इसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करने का मतलब इतना सा है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इधर ठीक दे रहा है, 2 LCM दी, ठीक है, इधर कुछ नहीं होता ना, मतलब 1 होता है, तो 2 + 3 - 5, ठीक है, बटे में 2 कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना भाई, 5 में से 5 घटाएंगे, दोनों का जोड़ 5 हो जाएगा, -5 = 0/2 यानी 0, आपका आंसर क्या है, 0। सर इस पूरे का आंसर 0 होगा, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ऑप्शन में आपके पास 0 है, तो 0 आपका आंसर सही। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, ठीक है, प्रत्येक दिन 9 बजे लाइव क्लासेस है, तो लाइव क्लास को ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।